है उसको समझ नहीं आ रहा है। अब तुम इसे लेके जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर गुरु की आराध आपको समझ में आ रहा है ना, अब इसे लेके जाओ। अगर कर रहा है जिम्मेदारी तेरी है, कुछ हो गया तो यहाँ पे ये कर लेगा इस पर। अरे ले जाना, फिर मैं कहता रहूँ ना, ले जाओ, हटाओ, कर लेगा इसको, उसे और नुकसान नहीं कराना भाई। झाड़ू का भगत है, सबसे बड़ा पछता रहा होगा कि मैंने झाड़ू। नहीं नहीं, मैं तो तुझे जीता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं आपने पैसे नहीं लिए क्या? तुझे कुछ कह रहा हूँ ना, अरे कुछ कह रहा हूँ ना, जाने दे इसको। अगर डेंजर हो रहा है, कुछ दिक्कत होगी, अरे कोई दिक्कत होगी उसके खिलाफ भाई यार, होगी ना तुम्हारी, हमने तोड़े है ना हमारे खिलाफ। ये वाला पत्ता गिरा दे, जो जो लटक रहा है नहीं गिरेगा सर, पकड़ा हुआ सर, पकड़ा हुआ नहीं गिरेगा। अरे नहीं पकड़ा, नहीं गिरेगा, करवा दियो ना, हां करवा देंगे सर। तो क्यों नहीं बोला तू, मैंने क्या बता दो, तूने पर लगे हो, बात ही नहीं मान रहे हो। चलो ले जाओ, चलो अब जा यार, तू युवा आदमी से उन अपना निकल, चलो पहुंचो जल्दी, ऐसे करा दे, झलवा दे ना, करवा दे ना। अरे कर लेगा भाई, कर लेगा, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, जाइए, डांट फोड़ दीजिए, इन्हें दीजिए आधी बार, इन्हें तो खड़े वाले ये चार बार खा रहे हैं ना, बिजली खत्म हो गई, ये चीज करा दो जी, चार बार खा रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, इसको जो ऊपर वाला पिलर कोने वाला खड़ा है, इसको इधर गिराने दो। नहीं नहीं कहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना, इंसान चोरी ना, अरे धाम हुआ है, मुझे बंद कराना ना, बुला इसी साहब को, ले चले मेरे को डाल के, मैं चल रहा हूँ, बंद करवाइए ना मेरे को, क्यों ऐसी हालत करा के बंद करके गए थे। तुम यहाँ पर करने थे, मैंने तुमसे पूछा, तुमने कहा साहब कंप्लेंट है, सब कुछ है, कितनी कंप्लेंट है, तो मैंने कहा कितनी बड़ी कंप्लेंट है, ये बताओ। अभी वो आके कह रहा मसाला नहीं लगा, आप लोग कह रहे इसको कंप्लेंट है, एक तरफ बंद कर रहे हो, एक तरफ छोड़ रहे हो, करना क्या चाहते हो, और बंद आखिर क्या इसको खत्म कर दोगे, खत्म कर दोगे क्या इसको, क्या पूरे इलाके में खत्म कर दोगे ऐसे, नहीं इतना तोड़ने के बाद इसका नुकसान किया और किसका कर दिया, नुकसान की बात कर रहा हूँ, गिर गया कौन जिम्मेदार होगा, ये बता बनाकर अपना गिर गया, अपने निकम तोड़ने वाला होगा, अरे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने किया ना, तुम्हारी जिम्मेवारी है, कुछ करना, चुन चुन के नाटक करना, क्या चुन, कहाँ कंप्लेंट, ये कंप्लेंट मेरे पास फाइल है, किसकी है कंप्लेंट, कंप्लेंट है मेरे पास, फाइल बनी है मेरे पास, किसने भैया, देखो मेरे को गलत फहमी मत रही भाई, नहीं मुझे पता, गलत फहमी मत रही, यहाँ से लेके वहाँ था, फिर मैं अपने दिमाग से जानता मेरे पे, आप जाने मुझे पता, हाँ तो फिर हवा में मत बात करो, डेंजर डेंजर है, हाँ हवा में बात ना करना, कहीं किसी कारण मैं ऐसी नेता नहीं देगा, गरीब जो है ऐसे रखूँ जाके, गलत फहमी मत रही बिल्कुल, हाँ ज्यादा ड्रामाबाजी नहीं है, बहुत देर होगी ड्रामाबाजी, मैं तो यहाँ के नेताओं के ईमानदार नेताओं के ड्रामाबाजी, जिन्होंने यहाँ पर जनता को घुमरा करके ड्रामा किया था, यहाँ पर इसको कुछ नहीं है, ऐसे ही अरे तो गिरेगा तुम्हारी एफ आई आर कराएंगे तुम्हारे खिलाफ, मतलब और क्या, तुम्हें जो लगता है तुम्हारे खिलाफ एफ आई आर कराएंगे, सच बढ़ा भाई, नहीं तमाशा नहीं है, मजाक बना के रख दिया, अरे ठीक है थोड़ा मेरा तुमने कर लिया, बाद जेसीबी मंगाना अपना, क्या एक राजनीतिक आदमी का विरोध करना, जनता के हित में काम करना बुरी बात है क्या, क्या 100% आप रिमूव कर सकते हो क्या, क्या ये कॉलोनी सब अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है क्या, जो बनता है वो अनऑथराइज, जो बन गया वो लीगल है, दो में से कौन सा कानून है ये, तरीका कौन सा है, अरे तुम इसको छोड़ दे बिल्कुल, नहीं और जाएगा बेकार में, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और उनको बुलाओ पार्षद जी को, जब ये ड्रामा कर रहे हैं, बहुत बड़े ठेकेदार थे ना, बहुत बड़े ईमानदार ठेकेदार, उनको बुलाइए यहाँ पर, हजार पुनर दिल्ली के मुख्यमंत्री आके जवाब दे करके, कि तुम बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर क्यों चल रहा है, आखिर क्या गुनाह कर रखा है, अपने प्लॉट पे अपनी जमीन पे बना रहा है, कौन सा चोरी किया, चोरी किया क्या, उसका ये प्लॉट का कंप्लेंट है, कोई कंप्लेंट किसी का, प्लॉट दूसरे का है क्या, किसी दूसरे प्लॉट में बना रहा है क्या, लेबर अपने प्लॉट में बना रहा है ना, लेबर को पैसा है, हमने तो होगा तो आपका जिम्मेदारी है, आपने गलत हुए हैं,
आप भोगोगे। ये वाला पत्ता गिरा देते हैं, लटक रहा है। अरे कर लेगा किसी दूसरे प्लान में बना रहे हैं, लेबर को पैसा नहीं देता, बंद कर रहा है, उसको सामने आ रहा है। अब तुम इसे लेके जाओ, गिर गया अब इसे लेके जाओ। मैं भी बोल रहा हूँ, डेमोलिशन की हो रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, सही है गलत है? सर, इस कार्रवाई को क्या कहा जाए, मजदूर मजदूरी के लिए मर रहा है, ठीक है, और कोई बिल्डर थोड़ा बहुत जुगाड़ करके कर रहा है काम, जिससे उस मजदूर का ही भोजन चलता है और हर आदमी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये अफसर, ये नेता, ये सांसद, ये विधायक, ये आपका निगम पार्षद, ये सबको सिर्फ पैसे की भूख लगी हुई। अरे जनता के लिए काम करो ना, बड़े अफसर ही हैं, वो भी ऊपर है, माल खा रहे हैं, नीचे वाले को देख, नीचे वाले खाली माल लेके अपने घर में बांध रहे हैं। ये हालात है अपने देश की, क्या होगा इस देश का? अच्छा, जिस समय पाए सभी आते हैं, पैसा मांगते हैं, लीटर का इंतजार करते हैं, फिर तोड़ देते हैं, क्या ये तरीका है? अरे बनने मत दो ना, अगर अवैध है तो बनने मत दो। और दिल्ली में जिस दिन भूकंप हो गया ना, जो अभी तुर्की का हुआ है, बुरा हाल हो जाएगा दिल्ली में, करोड़ों की संख्या में आदमी की लाश मिलेगी। नाम तो विधायक जी हैं, विधायक जी संजीव झा पूरे एरिया के ग्राम सभा को खा चुके हैं, पूरे एरिया के ग्राम सभा खा गए, एक भी ग्राम सभा की जमीन नहीं है, ठीक है। और जो हमारे निगम पार्षद हैं, उनको भी माल चाहिए, अफसर को भी माल चाहिए, सोचो तक जाता है एसीपी तक। अरे भैया, इसको संभालो तभी देश संभलेगा, ऐसे नहीं संभालने वाला है निगम पार्षद। अपना ये वार्ड कौन सा लगता है, कौन है यहाँ पे? भैया वार्ड का उतना पता नहीं है, 9 नंबर वार्ड है, 9 नंबर। और अभी अपना निगम पार्षद है रूबी रावत जी, उनको उनका उनको फोन किए तो उन्हें बोले जेई से बात कराओ, जेई साहब मुझे बात नहीं करना है, क्योंकि पढ़ लिख क्या है ना, जेई बने हैं, ऐसे थोड़ी बने सर, ठीक है। बहुत तुलम हो रहा अपने देशों पर।